हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिजीत जीएस एकेडमी। आपण समस्त को अभिजीत जीएस एकेडमी को स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम ये वीडियो रे डिस्कस करिबा इम्पोर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। देखो, इंडियन हिस्ट्री रे से एनसियंट हिस्ट्री हो किंबा मेडिवल हिस्ट्री हो किंबा मॉडर्न हिस्ट्री हो, बहुत गुड़ाए इम्पोर्टेंट बैटल होता। जो इम्पोर्टेंट बैटल उपर आम को बारंबार एग्जाम आम क्वेश्चन देखू, से इम्पोर्टेंट बैटल गुड़ाक आम ये वीडियो रे कवर करिबा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ट्रिपल एस सी किंबा डबल एस सी किंबा एएसओ किंबा ओसीएस पे प्रिपरेशन होती, से वीडियो टी आवश्यक थे। आपण जदि ये गोटे वीडियो देखने पे तो आपण ओवरऑल गोटे आईडिया पाइबे सब बैटल पर, जोगुड़ाक एनसीएंट हिस्ट्री होता, जो बैटल गुड़ाक, जो गुड़ाक मिडेवल हिस्ट्री होता, और जो गुड़ाक मॉडर्न हिस्ट्री जो बैटल होता, से सब बैटल पर आप गोटे ओवरऑल आईडिया पाइबे क्या क्या मध्य बैटल होता, किए जीति कौटी बैटल होता, ये सब बाबद आम ये वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करवा। ओके, तो चलंतु एमसीक्यू माध्यम रे, टॉप टॉप एमसीक्यू माध्यम रे आमे सब बैटल को डिस्कस करिबा। फास्ट कौन अच्छी देखिबा, फास्ट अच्छी व्हेन डिड द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस टेक प्लेस। से कहूँ जे बैटल ऑफ जो हाइडेस्पिस होता सेटा केते मसीहा रे होता। ऑप्शन ए अच्छी 325 BC, ऑप्शन बी अच्छी 326 BC, ऑप्शन सी अच्छी 328 BC, ऑप्शन डी अच्छी 339 BC। कोटा राइट आंसर हबो, देखो यार राइट आंसर हम ना आपणकर 326 BC। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस क्या क्या मध्य रही है कहले, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस आमर अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एंड आमर जो किंग थिले, इंडिया रा किंग थिले किए सी पोरस, तांका मध्य रही है। कहा जाए जो ये जो बैटल है थला, ये बैटल ले अलेक्जेंडर जीती थिले, किंतु पोरस से साहसिकतार सहित तो युद्ध को लड़ी थे, जहाँ को देखिकी अलेक्जेंडर प्रभावित होते। ये युद्ध कौ नदी कूल रही है, ये युद्ध आम झेलम नदी कूल रही है, कौ नदी कूल रही है, झेलम नदी कूल रही है, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी, व्हेन डिड द बैटल ऑफ कलिंग टेक्स प्लेस। देखो, तो एनसीएंट हिस्ट्री गोटे इम्पोर्टेंट बैटल हूँ बैटल ऑफ कलिंग, कारण यही बैटल आमर अशोक जो थे दि ग्रेट अशोक, से चंडाशोक रु धर्माशोक परिणत होते, हाँ कि ना। तो से बैटल ऑफ कलिंग जोटा कि दया नदी कूल होता, बुझिपारती, तो सेटा केते मसीहा होता। ऑप्शन ए अच्छी 261 BC, ऑप्शन बी अच्छी 262 BC, ऑप्शन सी अच्छी 263 BC, ऑप्शन डी अच्छी 264 BC। कोट राइट आंसर हम, देखो बैटल ऑफ कलिंग जो होता, बैटल ऑफ कलिंग होता 261 BC रे। अशोक जेबे सिंहासन आरोहण कले तार 8 वर्ष पर अष्टम वर्ष रे बैटल ऑफ कलिंग होता, से बैटल ऑफ कलिंग 261 BC रे होता, जोटा कि दया नदी कूल होता। एवं आम ओडिशा रे धौली निकट रे गोटे रॉक एडिक्ट अच्छी, जोटा हूँ 13 रॉक एडिक्ट, 13 नंबर रॉक एडिक्ट, सेठारे कलिंग युद्ध कथा एवं अशोकंकर कथा को लेखाही से रॉक एडिक्ट रे पत्थर देह रे। ओके, एटा भी मन रखिथिबे 13 नंबर रॉक एडिक्ट जोटा कि कलिंग रे अच्छी, धौली आमर सॉरी धौली निकट रे अच्छी, जिबे धौली के जिबे बुलिबा पई तो 13 डॉक्टरेट को देखा आदू भूलिबे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हेन डिड द वार ऑफ सिंध टेक प्लेस। वे वार ऑफ सिंध ता केते मसिया रे हितला, 711 BC, 712 BC, 713 AD एवं 714 BC। कोटा राइट आंसर हबो, बैटल ऑफ सिंध बा वार ऑफ सिंध जदि आमे कहिबा तो सेटा केते मसिया रे हितला, तो से हितला 711 BC रे, हाँ कि नहीं, नहीं 712 BC, 712 मसीहा से युद्ध होता वार ऑफ सिंध, जोटा कि मोहम्मद बिन कासिम, मु लिखि दौ मोहम्मद कासिम आक्रमण करते, जो फास्ट मुस्लिम इनवेजन कहा जाए, एस्टाब्लीश करते कौन पावर ओवर द अरब, एस्टाब्लीश पावर ओवर द अरब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, बैटल ऑफ सिंध आसीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, इन व्हिच एडी डिड द फास्ट बैटल ऑफ तराइन टेक्स प्लेस। देखो तराइन दुईटा बैटल होती, तराइन फास्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। से कहे फास्ट बैटल ऑफ तराइन केते मसीहा होता, कहले फास्ट बैटल ऑफ तराइन केते मसीहा होता, ऑप्शन को पढ़ंतु कोड राइट आंसर हम, 1191, 1191 मसीहा फास्ट बैटल ऑफ तराइन होता, कहाँ कहाँ मध्य होता, मोहम्मद घोरी
एंड कहाँ मध्य पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान मध्य रही बैटल रे पृथ्वीराज चौहान जीति मोहम्मद घोरी को से क्षमा करते किंतु सेकेंड बैटल अफ तराइन जिते बेला सेकेंड बैटल अफ तराइन में कौन है ना जोटा कि 1192 रे होता है 1192 मसीह रही था से बैटल रे मोहम्मद घोरी कौन कले परास्त करदे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनकर निज साथ नहींगले बुझीपाल कि ना ये हूँ सेकेंड बैटल अफ तराइन। छ नंबर क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन अच्छी से पचार व्वेन डिड दि बैटल अफ चंदावर टेक्स प्लेस बैटल अफ चंदावर के मसीह रही था कौटा रईट आंसर हम देखते बैटल अफ चंदावर आपणकर सेकेंड बैटल अफ तराइन रुई वर्ष पर तेरे कौटा हम 1194 1194 मसीह ना बैटल अफ चंदावर होता क्वेश्चन आसे जो बैटल अफ चंदावर क्या क्या मध्य होता बैटल अफ चंदावर क्या क्या मध्य होता कहींपर क्या क्या मध्य होता ना बैटल अफ चंदावर आमर मोहम्मद घोरी एवं क्या मध्य होता दि किंग अफ कनौज किंग अफ कनौज मान से कनौज किंग किए थे मुझे लिखिद किंग अफ कनौज एवं से कनौज किंग थे जयचंद मन पड़ी जयचंद थे किंग से कनौज एवं ए बैटल ना जयचंद को मोहम्मद घोरी परास्त कर दे थे तो ये बैटल जीति थे किए मोहम्मद घोरी के मसीह 1194 कौन बैटल ना कौन थी बैटल अफ चंदावर मन रहा। नेक्स्ट बैटल को जी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बैटल हूँ पानीपत देखते पानीपत रे तीन टा बैटल होता कि ना से कौन व्वेन डिड दि फास्ट बैटल अफ पानीपत टेक प्लेस प्रथम बैटल अफ पानीपत केते मसीह होता समस्त जानते इजी क्वेश्चन टे जोटा कि 1526 1526 मसीह आसाला क्या क्या मध्य होता फेमस वर्ड टे बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य होता क्या क्या मध्य होता बाबर एंड इब्राहिम लोदी मध्य होता एवं ए युद्ध रे इब्राहिम लोदी को बाबर बैटल फील्ड रे मारी दी एवं बाबर कौन करते ना मुगल सल्तनत स्थापना करते बुझीपाल कि ना तो ये हूँ फास्ट राजा जो फास्ट दिल्ली सल्तनत सुल्तान जी बैटल फील्ड में मरी थे युद्ध भूमि में मरी थी प्रथम राजा हूँ इब्राहिम लोदी जहाँ को बाबर परास्त करते से कौन करते ना भारत में स्थापना करते मुगल साम्राज्य जोटा के मसीह होता फास्ट बैटल अफ पानीपत 1526 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारुचन डिड दि बैटल अफ खानवा टेक्स प्लेस बैटल अफ खानवा केते मसीह होता देखो बैटल अफ खानवा तार गोटे वर्ष पर होता कहार गोटे वर्ष पर होता बैटल अफ पानीपतर फास्ट बैटल अफ पानीपत गोटे वर्ष पर होता माने 1527 होता केते मसीह होता 1527 होता एवं ये युद्ध टी क्या क्या मध्य होता ये युद्ध टी होता लिखी बाबर एंड राणा सांगा राणा सांगा एवं बाबर को मध्य युद्ध होता एवं ए युद्ध रे भी बाबर जीति थे ये हूँ फास्ट बैटल ऑफ पानीपत ठीक गोटे वर्ष पर होता बुझीगला कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन नंबर नाइन से कहे आमको व्वेन डिड दि बैटल अफ घाघरा टेक्स प्लेस बैटल अफ घाघरा के मसीह होता रे ऑप्शन कौन कौन अच्छी 1525 1526 27 अड़तीस कौटा रईट आंसर हम बैटल अफ घाघरा के मसीह होता देखो बैटल अफ घाघरा 1529 होता 1529 मसीह होता क्या क्या मध्य होता बाबर आउ क्या मध्य मोहम्मद लोधी एंड मोहम्मद लोधी अच्छा ये मोहम्मद लोधी किए ये मोहम्मद लोधी हूँ ब्रदर अफ इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी का ब्रदर हूँ मोहम्मद लोधी तांको एवं बाबर मध्य युद्ध होता से युद्धटा 1529 होता जोटा को कहा जाए बैटल अफ घाघरा तो मुझे बाबर को लगे मैंने बाबर को जो युद्ध करते तीन टाइम इम्पोर्टेन्ट युद्ध मुझे तीन टाइम इम्पोर्टेन्ट युद्ध को कवर करदेली ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी इन ह्विच इयर बैटल अफ चौसा टुक प्लेस
କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି 1539, 1541, 1542, 1543। କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ? ବେଟଲ ଅଫ୍ ଚୌସା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1539। ବୁଝିପାରିଲେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ପକାନ୍ତୁ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଶେର ଖାନ୍ ଏବଂ କାହା ମଧ୍ୟରେ? ହ୍ୟୁମାୟୁନ। ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଏବଂ ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ବେଟଲ ଅଫ୍ ଚୌସା। ଏବଂ ଶେର ଖାନ୍ କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶେର ଶାହ ସୁରି, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶେର ଖାନ୍। ତ ଶେର ଖାନ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲେ କିଏ? ଶେର ଖାନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାୟୁନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେର ଖାନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ ଫଟ? ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି 1540, 1543, 1545, 1548। କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ? ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା, ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ ମଧ୍ୟ ଶେର ଖାନ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିକି ଗଲୁ, ବେଟେଲ ଅଫ୍ ଚୌସା ଶେର ଖାନ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶେର ଖାନ୍ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇୟାର କେତେ ମସିହା ହୋଇଥିଲା, କେତେ ମସିହାରେ? ସେଟା ହେଉଛି 1540ରେ ହୋଇଥିଲା, 1540 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ କେତେ ମସିହାରେ ପଢ଼ିକି ଗଲୁ? 1539 ମସିହାରେ ପଢ଼ିକି ଗଲୁ। ତାର ଠିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଟାକି 1540ରେ ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଟେଲ ହୋଇଥିଲା ନା, ଏ ବେଟେଲରେ ହ୍ୟୁମାୟୁନଙ୍କୁ ପୁରା ଏମିତି ହରାଇଥିଲେ ଶେର ଖାନ୍, ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆକବର ରିଟର୍ନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ। କୋଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 12 ଅଛି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜକୁ ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଏ ବେଟେଲ ଅଫ୍ ବେଲିଗ୍ରାମ? କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ବେଟେଲ ଅଫ୍ ଟିକେ ତ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ବେଟେଲ ଅଫ୍ ବେଲଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ବେଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବେଟେଲ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଲଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ସେକେଣ୍ଡ ବେଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ଫିଫ୍ଟିନ୍ 56ରେ, 1556 ମସିହାରେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଆକବର ଆଣ୍ଡ ହେମୁ, ହେମୁ ଏବଂ ଆକବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ପୁଣି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରିଟର୍ନ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆକବର ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଟେଲ ହେଲା, ଏ ବେଟେଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ହେମୁକୁ ହରାଇଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଆକବର। ତ ଏଠି ଆକବର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକବର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତ ଆକବରଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆକବର ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତ ଆରାମସେ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ, ଆକବରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେମୁଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବେଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକୋଟା ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ବେଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକୋଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବେଟେଲଟା। ତ ଏ ବେଟେଲ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିଲେ, 1545ରେ, ନା 1556ରେ, ନା 1565ରେ, ନା 1568ରେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ? ବେଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକୋଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକୋଟା ନା 1565ରେ ହେଇଥିଲା, 1565ରେ ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ୍, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ବାହାମନି ଏମ୍ପେୟାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବାହାମନି ଏମ୍ପେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆମର ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପେୟାର। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପେୟାରର ଫାଉଣ୍ଡର କେଉଁମାନେ? ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍କା, ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପେୟାରର ଫାଉଣ୍ଡର। ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପେୟାର ମାନେ, ବିଜୟନଗର ମାନେ ହେଉଛି ସିଟି ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟୋରି। ଓକେ, ତ ବେଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକୋଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ବାହାମନି ଏମ୍ପେୟାର ଆଉ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପେୟାର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଫେମସ୍ ବେଟେଲଟା। କେଉଁଠି ଏଇଟା? ଡେକେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ମାନେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦି ବେଟେଲ ଅଫ୍ ହଲ୍ଦିଘାଟି ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍?
बेटेल ऑफ हल्दी घाटी, आपणकर बेटेल ऑफ हल्दी घाटी केते मसेरे हेतला, बहुत फेमस बेटेल टाटा 1567 रे, 1576 रे, 1578 रे, ना 1589 रे, कोटा राइट आंसर हबो बेटेल ऑफ हल्दी घाटी। देखो बेटेल ऑफ हल्दी घाटी राइट आंसर हो 1576 रे, कहा का मध्य अकबर आ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एंड अकबर को मध्य होता कौटा बेटेल ऑफ हल्दी घाटी। आपंकर मन अच्छे महाराणा प्रताप पर जो घोड़ा थिला, जो घोड़ा को चेतक बोल के कहा जाए, जेकि बहुत विश्वास थिला, माने कहते कौन जो बहुत वफादार थिला तार मालिकों प्रति, से घोड़ार नाम कौन थिला, से घोड़ार नाम थिला आपणकर चेतक। तो सी बे हल्दी घाटी बेटेल चेतक भूमिका मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। एवं आपणकर गोटे हाथी मध्य थिला, गोटे विश्वस्त हाथी मध्य थिला महाराणा प्रताप को, से हाथी ना आपण माने कमेंट कले, जे भी बेटल अफ आपणकर हल्दी घाटी गोटे इम्पोर्टेंट क्यारेक्टर टे थिला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हेन डिड द बेटल अफ प्लासी टेक प्लेस, बेटल अफ प्लासी केते मसीह हेतला, देखो बेटल ऑफ प्लासी ना आपणकर 1757 रे हेतला। ओके तार 100 वर्ष पर आपणकर सिपाही विद्रोह हेतला, सिपाही म्यूटिनी हेतला 1857 रे। तो बेटल ऑफ प्लासी आपण मन रखि पारिबे तार 100 वर्ष पूर्व, सिपाही म्यूटिनी रा 100 वर्ष पूर्व हेतला 1757 रे हेतला। एवं ये इरा केते डेट रे हेतला बेले बेले क्वेश्चन आसे, देखिबे आपण देखिथिबे क्वेश्चन रे को डेट रे हेतला क्वेश्चन आसे, सेटा आपणकर 23 जून रे, 23 जून रे ए बेटल टी हेतला, जोटा कि रिवर बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जोटि कि ईस्ट इंडिया कंपनी रो किए थिले रॉबर्ट क्लाइव, से जीति थिले। ओके एवं ए बेटल केते मसे रहितला 1757 रे हेतला। नेक्स्ट जीवा, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हेन डिड द थर्ड बेटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, थर्ड बेटल ऑफ पानीपत केते मसे रहितला, थर्ड बेटल ऑफ पानीपत आपणकर हेतला 1761 रे, 1761 रे आपणकर थर्ड बेटल ऑफ पानीपत हेतला बिटवीन मोहम्मद शाह अब्दुली एंड मराठा, जेटा कि 1761 रे हेतला। एवं आपणकर क्वेश्चन होची आपणक पई कमेंट वर्क होची ए बेटल रे किए जीतिथिले। ओके ए बेटल रे किए जीतिथिले सेटा आपण माने कमेंट करिकिनी मते जणाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, ई जे क्वेश्चन रे बैटल ऑफ बक्सर केते मसे रहितला, बैटल ऑफ बक्सर हेतला आपणकर 1764 रे, हां कि नाही। अच्छा बैटल ऑफ बक्सर 1764 रे जो हेतला सेटा का का मध्ये रहितला कहिले, बैटल ऑफ बक्सर टा आपणकर देखो बेले बेले ना गोटे गोटे क्वेश्चन एमती भी पचारे, जो क्वेश्चन से डेट भी पचार दिए, मुझे डेट सहित कहीदे आपण मैंने टी मन रखि दिंतु। तो यार एक्जाक्ट डेट आपणकर 22 अक्टूबर रे, 22 अक्टूबर 1764 रे होता, कौटी ना बक्सर जोटा कि बेंगल रे अच्छी, बक्सर टा कौटी अच्छी, बक्सर टा बेंगल रे अच्छी, सेठी कहा कह मध्य युद्धटा होता आपणकर ये युद्धटा होता गोटे ट्रायो थिला, जोटि कि थिले नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला, आउ मुगल एम्परर थिले शाह आलम, आउ किए थिले मीर कासिम। ओके मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर सेतेबेले थिले शाह आलम सेकेंड, तांको सहित ईस्ट इंडिया कंपनी रो युद्ध होता। एवं ईस्ट इंडिया कंपनी को किए लीड करुथिले से युद्ध रे सेटा क्वेश्चन आसे, लेखि नियंतु किए हेक्टर मोनरो, हेक्टर मुनरो ये होंगे से पर्सनालीटी जी कि बेटल ऑफ बक्सर को लीड करते। ओके एवं युद्ध फलाफल कौन है, दिस वाज गोटे लास्ट रे गोटे ट्रिटी टे है, से ट्रिटी रा नाम मन रखु ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद होता जोटा कि फलाफल थी आपणकर बेटल ऑफ बक्सर, बुझिपारे।
कंप्लीट है ला, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँची जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचिंग, आपन को चारिटा ऑप्शन अछि कोटा करेक्टली मैच में कहबे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ खानवा बाबर एंड राणा सांगा, बैटल ऑफ चंदेरी बाबर एंड सुरसा सूरी आपन को शेरशाह सूरी, एंड बैटल ऑफ घाघरा बाबर एंड अफगानी रूलर। कोटा राइट आंसर हबो सी होचे राइट आंसर हबो सी कोन बैटल ऑफ चंदेरी बाबर एंड शेरशाह सूरी ये होचे राइट आंसर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ तराइन टू प्लेस, थर्ड बैटल ऑफ तराइन केते मसे रहीतिला ना, थर्ड बैटल ऑफ तराइन आपन को 1216 रहीतिला 1216 मसे रहीतिला आपन को थर्ड बैटल ऑफ तराइन बुझि पाले कि नाही। नेक्स्ट जीबा देखो, नेक्स्ट आ मॉडर्न इंडिया रे हमें मॉडर्न इंडिया को पढ़ आसी, मॉडर्न इंडिया रे आपन को जदी केही क्वेश्चन पचारंती जे इंडिया और पाकिस्तान मध्ये रे केते थोर वार हिची टोटल, देखो इंडिया और पाकिस्तान मध्ये ऑफिशियली तीन थर बड़ बड़ वार हिची, एक तो 1965 रे एवं 1971 रे एवं 1999 रे जोटा कारगिल वार फेमस रे ताको कहा जाए, तो ये तीन थर इंडिया एंड पाकिस्तान मध्ये वार हिची एवं सब थर पाकिस्तान आम ठारो हारिची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एवं चाइना वार केबे हिथला, इंडिया चाइना वार 1962 रे हिथला, केबे हिथला 1962 रे हिथला, एवं फर्स्ट वर्ल्ड वार दे दीछे अपन, फर्स्ट वर्ल्ड वार रो टाइमिंग दे दीछे एंड सेकंड वर्ल्ड वार रो टाइमिंग दे दीछे। आपण माने जदी चाहिबे तो सेकंड वर्ल्ड वार विषय रे एकटा डिटेल्स वीडियो मो यूट्यूब चैनल ले अछि, आपण माने सर्च करके देखि परिबे। हिटलर व्हाई हिटलर को आमे हिटलर काहे के ते फेमस पर्सनालिटी ए ऊपर वीडियो दि अछि, से वीडियो रे मो डिटेल्स डिस्कस करै छी सेकंड वर्ल्ड वार को। आपण माने चाहि सेटि जाई के प्लेलिस्ट रे जाई के आपण माने सेकंड वर्ल्ड वार विषय रे डिटेल्स जानि परिबे। तो फ्रेंड्स ये थिला इंपोर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आशा करूछि आपण माने समस्त को भल लागिथिबो, आपण माने समस्त रिकॉल करथिबे जो माने पढ़ी से मानकर रिकॉल भी हो जाइथिबो। तो एई भलिया भल भल वीडियो देखिबा पई एवं इनफॉर्मेटिव जेटा कि परीक्षा रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड आपण कर एभलिया क्वेश्चन आंसर करबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहौछि नमस्कार।